问一个问题，我们有大四的各位是第二名，我今天特别特别特别特别特别तुमने बढ़िया गाने में लीडर हो और सारी मीटिंग सुनाते हो, ट्रेनिंग सुनाते हो, सारे फंक्शन अटेंड करते हो और मैं देखता हूँ बहुत मेहनत करते हो। क्या प्रॉब्लम हुआ बताओ, क्या दिक्कत आ रही है, क्या चैलेंज आ रहा है सर? क्या बात करो, आपने मुझे बताया अच्छा ड्रेसिंग करो, वो किया आपने बताया रोज के दो गिलास निकाओ, रोज के दो गिलास निकाता हूँ। पिछले महीने में मैंने कम से कम 40 से 50 गिलास निकाए और सर मुश्किल से 5 या 7 गिलास निकाए। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, 40 ग्राम दिखाया और 5 से 7 घर निकाया सर। बस रेशियो भी है और वो 5 में से सिर्फ एक ही ने प्रोडक्ट लिया, किसी और ने नहीं लिया सर। मेरे से नहीं होगा मुझे लगता है। वाई वाई। अच्छा मौलिक, जो जो सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हैं, जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी तो मेरे साथ भी एक्चुअली पैसे हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लान निकालता था लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करी तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा सर। मौलिक थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि आप जब लोगों को प्लान शो करते हैं, है ना, प्लान करने जाते हैं तो आप किस तरीके से प्लान दिखाते हैं, थोड़ा सा मेरे को आप बताइए। जैसे मैं नया प्रोस्पेक्ट हूँ और आप मुझे प्लान शेयर कीजिए कैसे करते हैं, सो दैट मैं थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि चैलेंज कहाँ पर। सर मैं तो बहुत बढ़िया आपका कॉपी करने करने का बता दूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बराबर सर, नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूँ सामने वाले सारे प्रॉब्लम आए होते हैं। अच्छा सामने वाले प्रॉब्लम होती है? हाँ सर, वो 50,000 रुपए की नौकरी करता है और ये बिजनेस को मना करता है। मैं जाके उसको सीधा बोलता हूँ, देख भाई तू 50,000 की नौकरी करता है, कब तक करेगा, चलो लाखों कमाने तो मेरे साथ जुड़ जा। ओके वेरी गुड, मतलब उसको नौकरी वोकरी छुड़वा दिया, उसको बस चीज के लिए बोल दिया हो सर। इतना बड़ा बिजनेस है उसको समझ तो आना चाहिए ना। राइट। और क्या बता दो सर? मैं उसको बोलता हूँ चल मैं तेरे पास जो भी है ना वो फालतू है, मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया काम दिखाने वाला हूँ। और उसको बोलता हूँ कि जो भी काम है सब कुछ काम एक बार छोड़ो, पहले मेरी बात सुन। अच्छा सारे काम छोड़ा के रेस्टिंग करवाना चाहते हो? मैं उसका भला चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जब अपन प्लान दिखाते हो तो प्लान में क्या डिटेल्स बताते हो, कितनी देर लगती है आपको प्लान दिखाने में? सर सच बताओ मैं प्लान बहुत बढ़िया दिखाता हूँ, इतना बढ़िया ना सारी डिटेल देता हूँ। कंपनी के बारे में कम से कम मैं 10 मिनट बताता हूँ, डायरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं प्लान की पूरा जो ऑल 7 टाइप्स ऑफ इनकम है ना उसका पूरा रेशियो डिटेल में बताऊँ। पता है सर मेरा प्लान कभी कभी सामने वाले के दिमाग में नहीं जाता, तब 2.5-3 घंटे तक उसके सामने बैठ के उसको पूरा समझा देता हूँ। लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन से डिस्कशन किया तो उन्होंने मुझे बताया मौलिक की जब हम पहली बार किसी भी नए पर्सन से मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो हमारा जो प्लान होना चाहिए सबसे पहली बार तो 30-45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि हर इंसान का टाइम अवेलेबल है, राइट? सारे लोग बहुत बिजी हैं और हमें जैसे अपॉइंटमेंट देते हैं, तो 30-45 मिनट में प्लान होना चाहिए। और जो हमारा प्लान जो होना चाहिए वो बिल्कुल कीप इट सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल इतना सरल और सहज होना चाहिए कि जिससे सामने वाले को लगे अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, जब मैं किसी नए पर्सन को प्लान दिखाता हूँ तो सबसे पहले 2 से 5 मिनट में मैं उससे ड्रीम की बात करता हूँ, उसको मैं कंफर्टेबल कर लेता हूँ और हस्बैंड वाइफ से थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, राइट? और उनसे बातचीत करके मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली में उनके जिंदगी में कुछ ड्रीम है या नहीं, राइट? क्या वो ओपन माइंडेड है, उनके कुछ ऐसे एम्बिशन है या लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज है। जैसे मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ आपकी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही होगी या आप खुद के घर में रह रहे होंगे, तो लोग बोलते नहीं मैं तो किराए के घर में रह रहा हूँ और मेरे पास 5 लाख का लोन भी है 10 लाख का, तो वहां से मैं उनकी ये जो पॉइंट्स बोलते हैं ना किराए का घर, तो फिर मेरे लिए पॉइंट बन जाता है कि अच्छा मैं जब मैं प्लान दिखाऊंगा तो मैं इनके लिए ड्रीम होम के लिए बात कर सकता हूँ, राइट? अच्छा वो बोलते हैं मेरे ऊपर लोन है, तो मैं उनको फिर मैं अपने दिमाग में जब प्लान दिखाता हूँ तो उनको भी ये बात करता हूँ कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में काम करते हैं तो आने वाले टाइम में आप अपने इस लोन से फ्री हो सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें लोगों से कम्युनिकेशन करना है, थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है और उनके बारे में जानना है, उनका क्या ड्रीम है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंज है, राइट? वो जानने के बाद फिर आपको प्लान शो करना है। तो प्लान हमें बहुत ओवरव्यू करना है क्योंकि हमारा जो प्लान होता है सिर्फ दुकान का ब्रांड बदलना हमारे इस बिजनेस में, राइट? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है, राइट? और उनको बस एक सिंपल सी बात बता देनी कि हमें पहले अपनी आदत बदलनी है और जो अपनी जरूरत का प्रोडक्ट होता है 2,000-5,000 का प्रोडक्ट हमें लेना है और यही चीज कुछ लोगों से शेयर करनी है। धीरे धीरे करके कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, इस काम को करने में मेरी टीम का सिस्टम है और हमारी टीम ने आपको मदद कर दी है, राइट? सर अब मुझे पता चला मैं क्या गलती कर रहा था। तो हमें पूरा डिटेल में 7 टाइप ऑफ इनकम, टीवी
क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस बताइए, क्या आपको पहले से कैलकुलेशन समझ में आ गया था मॉर्निंग पहली मीटिंग में आ गया था समझ में? नहीं सर, मुझे कम से कम 10-12 मीटिंग लगे थे। यस, तो होता क्या है कि जब हम ओवर इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को देते हैं तो सामने वाला अंदर ही अंदर कंफ्यूज हो जाता है, सामने वाले को लगता है कि अच्छा मॉर्निंग भाई को तो बहुत अच्छा नॉलेज है, ट्रेनिंग है, ये काम मॉर्निंग भाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, 3 घंटे किसी को समझाओ, कन्विंस करो, क्या कैलकुलेशन बताओ। तो अंदर ही अंदर वो डिसीजन ले लेता है कि मुझे मॉर्निंग भाई के साथ ट्रेन नहीं करना, और फिर वो आपको बाद में बोलता है कि अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, अपनी वाइफ से बात करूँ। ऐसे ही होता है आपके साथ में? सर ऐसा भी होता है, पर मैं तो उसको ये भी बोलता हूँ तुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं कर लूंगा उसके लिए, फिर भी नहीं करता हूँ मेरे साथ, मैं उसको बोला तू सिर्फ आई नहीं देगी। क्या बात है, एक्चुअली मैं भी ऐसे ही करता था। जब हम आईटी की बात करते थे लोगों से, सी मार्केट में इतनी एमएलएम को लेकर नेटवर्क को लेकर बहुत नेगेटिविटी है, तो अगर हम आईटी की जगह कोई अच्छा वर्ड यूज करें, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जब लोगों को प्लान शेयर करता हूँ, उनको बोलता हूँ अच्छा ये प्रोडक्ट है, आप चाहें तो प्रोडक्ट आपको एमआरपी का भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इसमें कुछ आपको डिस्काउंट या कुछ बेनिफिट मिल जाए तो आप चाहें कुछ डिस्काउंट वगैरह लेना। सर ऐसा तो मैंने कभी पूछा नहीं, मैं तो सिर्फ उसको ये बोलता हूँ कि चल जल्दी से तेरा आईडी दे दे और मैं तुझे फटाफट ज्वाइन करके मेरा मेंबर बना देता हूँ, और चल आगे तुझे और 10 मेंबर बना ले, मैं तो ऐसा उसको बोलता हूँ। ये मेंबर और आईडी लेने को हमें कम्युनिकेट नहीं करना, हमें सिंपल से बोलना है जब आप डिस्काउंट कार्ड क्रिएट कर देंगे, अच्छा उसके लिए सिंपल से आपका एक केवाईसी होना, आधार कार्ड या वोटर कार्ड होगा वो दे देंगे, आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा, राइट, और इस तरीके से आपको कंपनी से जो बेनिफिट मिलने वाले वो मिल जाएंगे, राइट। तो ये बताना होता है। दूसरा चीज आपने बताया कि आपको वॉल्यूम नहीं होता, टर्नओवर नहीं होता, बिल्कुल नहीं आ रहा सर। आप जो 2 से 2.5 घंटे का इतना जबरदस्त प्लान दिखाते हैं, उसमें प्रोडक्ट की भी चर्चा करते होंगे आप? नहीं सर, मैं प्रोडक्ट की क्यों चर्चा करूं? अच्छा प्रोडक्ट पे बात ही नहीं करते आप? नहीं सर, उसको प्लान दिखाना है ना, प्लान में पैसा है। ओके अच्छा मॉलिक भाई ये बताओ कि वेस्टीज कंपनी जो आपको इनकम देती है, जो कमीशन देती है, वो किस बात पे देती है? आपने कितने प्लान दिखाए, कितने लोगों की आईडी लगाई, या फिर टर्नओवर, किस बात पे आपको पैसा आ रहा है? सर ये रिस्की तो मुझे टर्नओवर पे पैसा देती है। बराबर है, मतलब कंपनी हमें इस बात पर पैसा देती है टर्नओवर पे, और टर्नओवर किस चीज से होगा? टर्नओवर तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से होगा, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से होगा। तो मॉलिक हमें समझना होगा कि हम कोई कंसेप्ट बेस्ड बिजनेस में काम नहीं कर रहे, जहाँ पर हम किसी से 10,000 रुपए लगाए और उसको 20,000-50,000 करके दे रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। पुरानी कंपनी में हम कुछ कपड़ा वपड़ा बेचते थे ना, ओ वो माइलेज वगैरह रहता है, वहाँ कोई पैकेज देना होता था। एक्चुअली ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हमें हमारा 30-40 मिनट प्रेजेंटेशन में कम से कम 5 से 10 मिनट प्रोडक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। आप समझिएगा सिंपल सी बात, जैसे आप पिछले 30 से 40 साल से कोई एक पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और मैं आपके घर में आऊँ और मैं 2 मिनट में बात करूँ कि आपको बजाज का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, ये नया प्रोडक्ट यूज कर रहा है, क्या आप करेंगे? नहीं सर, क्यों करूंगा? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हैबिट चेंज करना सबसे डिफिकल्ट बात होती है। हाँ तो यहाँ पर जब मैं किसी नए पर्सन से मिलता हूँ तो मैं उससे बात करता हूँ कि सर ये आपका मार्केट का ब्रांड है जो आप यूज कर रहे हैं और ये वेस्टीज का प्रोडक्ट है, राइट। सबसे पहले उससे मैं कुछ कंपेरिजन करता हूँ, जैसे वेस्टीज का सोप है ग्रेट वन है, बेहतरीन क्वालिटी का है और प्राइस कंपेटिटिव है, ये तो पहली बात होगी, ऐसा तो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। दूसरा चीज मैं उससे पूछता हूँ कि सर अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट जिंदगी भर यूज करते रहेंगे तो इन प्रोडक्ट को यूज करने से क्या आपके सपने पूरे होने वाले हैं, कि आपके घर में गाड़ी आएगी, आपको वारंटर करेंगे? सर मैंने ऐसा सवाल कभी किसी से नहीं पूछा। एग्जैक्टली, जब तक सामने वाले प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर नहीं होगा कि उसको अपने प्रोडक्ट क्यों बदलने चाहिए, तब तक वो आपके साथ आईडी भी नहीं लगाएगा, प्रोडक्ट भी नहीं लेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब हम सामने वाले को ब्रांड ओवरव्यू करें तो हमारे बिजनेस का जो बेस है वो हमारे प्रोडक्ट और उसके साथ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी। तो मैं सामने वाले को बताता हूँ तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि सर मैं पिछले 3.5 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और उनके सामने में ये जो हमारा कार्गो आता है स्टेज का, राइट, तो उस समय मैं उनको अपना सक्सेस प्रोफाइल मैं उनके सामने रखता हूँ, उनको बोलता हूँ देखिए सर ये सारे के सारे वो लोग हैं जो पिछले 2 साल 5 साल 10 साल से प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और आज इनके घर में लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, इन प्रोडक्ट को यूज करके आप अपने और अपने परिवार के सामने प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब मुझे समझ आया, मैं सही टूल का गलत इस्तेमाल करता था, मैं उसको बोलता था ये देख सक्सेस प्रोफाइल, ये देख क्या हो, इसने जॉब छोड़ दी, इसने धंधा बंद कर दिया है, सब इस चीज कर रहे हैं, तू भी कर ले। समराइज हम ये बात करें कि जब हम लोगों को प्लान रखना है तो हमारा प्लान ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ पर्सनल प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए और हमें किसी भी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं करना है, जो सामने वाला जो प्रोफेशन जिसमें भी उसके हमें अप्रिशिएट करना है। ओके सर, और उससे सिंपल सी सरल तरीके से बात करनी है कि आपके घर का बजट कितना है, 2-5 हजार का जो बजट होता है अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करा के उसकी शुरुआत करना है, ठीक है, राइट। अब मैं सबसे पहले जाके उसको
एनवायरमेंट में रिलेट करूंगा, उसके सपने आइडेंटिफाई करूंगा, उसके बाद में उसको 15-20 मिनट में प्लान और ओवरव्यू करूंगा, 5-10 मिनट का प्रोडक्ट डेमो करूंगा और उसके बाद सक्सेस प्रोफाइल और कार्ड का इस्तेमाल करके क्लोजिंग करूंगा। सर आप मुझे बहुत ही